हेलो बच्चों, मैं आपकी नीलम सोनी मैम आपके लिए बेटा एक विशेष सूचना लेके आई हूँ, जिसमें आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल जो होते हैं, कुछ व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम होते हैं उसके लिए आवेदन स्वीकार करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, प्रवेश परीक्षा के लिए। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसमें मैं पीपीटी के बारे में बताऊंगी। पीपीटी जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, कुछ विशेष पाठ्यक्रम के लिए होता है। तो उस पाठ्यक्रम की जानकारी मैं दे दूँ, जो बच्चे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो भी पीपीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं MOM वो भी पीपीटी का एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो बच्चे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन या ड्रेस मेकिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग इसका कोर्स करना चाहते हैं, तो ये सारे बच्चे जो इस प्रकार के कोर्स करना चाहते हैं उनको पीपीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अब आपको बता दें एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके आवेदन की तिथि है ना, पहले आपको आवेदन पत्र भरना पड़ेगा बेटा, आवेदन डालना पड़ेगा, तो ऑनलाइन आवेदन डालना है, ठीक है। ऑनलाइन आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि की यदि बात करूँ तो आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है 29 जुलाई से, 29 जुलाई 2021 का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की यदि बात करें तो 15 अगस्त 2021 को आवेदन करने की लास्ट डेट है। यदि मैं एग्ज़ाम की बात बताऊं कि आवेदन इसके लिए पीपीटी का एग्ज़ाम किस दिन कंडक्ट होगा, तो 15 सितंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये यह रही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आप बच्चे जो इस कोर्स को करना चाहते हैं वो बिल्कुल आवेदन जो पत आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात बताऊं आपको तो सामान्य वर्ग जो है उसके लिए 200 की फ़ीस है, 200 रुपये की फ़ीस है आवेदन करने के लिए। जो आपके OBC कैटेगरी के हैं उनको 150 रुपये की फ़ीस लगेगी, और जो ST और SC वर्ग हैं इनको 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि PPT है इसका यदि आवेदन करेंगे तो इस प्रकार ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया। अब जब ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में बता दूँ मैं आपको। तो डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे बेटा 10th 12th की आपको मार्कशीट लगेगी, है ना। 10th 12th की मार्कशीट में कुछ रोल नंबर या कुछ वहाँ पर एंट्री करना होगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो 10th 12th की मार्कशीट ले जाइएगा आप, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, फोटो और ईमेल आईडी ये सब रख लीजिएगा, है ना, इन केस वहाँ ज़रूरत पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें रख के आप ऑनलाइन आवेदन करने जा सकते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।